नहीं, ये 804 का है कैंडिडेट है। बस ठीक है सर, ये बूथ नंबर 1 कहाँ पर है? 22 एंट्री होगी। 1 ये भी बाल आदि जोड़ी ऊपर की है वो आगे जो बड़े बड़े वाला हाथ जो है ना वो वाला है सर। चलिए मेहरबानी करें, गूगल का ये मैंने ही लिखा है। नंबर 1 की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। इसको कुछ और तो नहीं करना ना, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स आज तारीख है 23 फरवरी 2024। तो जी जैसा कि हर साल फरवरी में इलेक्शन होते हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, बल्कि मुल्क भर में तमाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन होते हैं, तो ये जी व्यूअर्स आज इलेक्शन डे है और मैं वोट कास्ट करने आया हूँ। मैं एंटर हो रहा हूँ इधर लाहौर हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में, ये जो एजी ऑफिस के साथ वाला गेट है वहाँ से। तो व्यूअर्स मैं आपको यहाँ के तमाम मनाजिर दिखाने वाला हूँ, आप मेरे साथ मेरे व्लॉग में जुड़े रहें। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने किसको वोट डाला और इस व्लॉग के एंड पर मैं आपको बताऊँगा कि इलेक्शन किसने जीता। तो व्यूअर्स मैं अंदर आ चुका हूँ आते में हाई कोर्ट के में, और ये देखें मेरा नंबर है 8276 और मेरा बूथ नंबर है 1। और मैं इधर जो है ना आगे जाता हूँ अपना बूथ तलाश करने के लिए। मैं इधर जो है ना देख रहा हूँ कि कहाँ पर है ये बूथ 1 जो है, तो इधर तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो मैं आगे जाता हूँ इस लाइन में कि शायद यहाँ पर हो, तो मैं देखता हुआ जाता हूँ। बस यहाँ पर मुझे एक सीनियर वकील साहब नजर आते हैं, तो मैं उनसे इस बारे में पूछता हूँ। सर ये बूथ नंबर 1 कहाँ पर है? 22 एंट्री होगी। 1 ये भी बाल आदि जोड़ी ऊपर की है वो आगे जो बड़े बड़े वाला हाथ जो है ना वो वाला है सर। चलिए मेहरबानी करें, गूगल का ये मैंने ही लिखा है। व्यूवर्स मैं इस तरफ आता हूं तो मैं देखता हूं कि यहां पर जो है तमाम उम्मीदवारों की फ्लैक्स लगी हुई है नाम और वो तस्वीर के साथ, सारा डेटा इधर मौजूद है। और इस साथ ही दूसरी साइड पे जो है ना वो बूथ नंबरों के साथ उनकी जो लोकेशन है वो लिखी हुई है कि कहां पर वो हैं। तो मैं चलता हूं अपने बूथ की तरफ। हाँ, जा रहे वोट डालने। हाँ, कादर बख्शाल नहीं डालना उसको। नहीं डालना। और, जाके डालना और ये असद गुंजूर का। हाँ, ग्रुप का है ना सर? नहीं, ये 804 का है कैंडिडेट है। बस ठीक है, अपने आई एल एफ के कौन कौन से यार? नहीं, मैं आई एल एफ का नहीं हूँ। नहीं हो के लिए कह रहा आपके बात नहीं फॉलो करते बता कर। ठीक है ठीक है, इसको करते हैं। तो गाइज मुझे कंफर्म हो गया है कि असद मंजूर भट्ट उम्मीदवार ब्राय सदर लाहौर हाईकोर्ट बार जो है ना वो इंसाफ लाइज फोरम के उम्मीदवार हैं, पीटीआई और इमरान खान के वो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, तो मैं उनको वोट करूंगा। की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। मलिक बिदा हुसैन नायब सदर। तो व्यूअर्स जैसा कि आपने देखा कि मुख्तलिफ उम्मीदवारों के तमाम उम्मीदवारों के जो कारकुनान थे, जो उनकी जो कंपेन करने वाली टीम थी, वो वोट मांगने के लिए वो एंट्री से पहले वो खड़े थे, तो वो अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे थे। तो व्यूअर्स मैं देखता हूँ इधर कुछ जो काउंटर मुझे खाली मिलता है वहां पर मैं वोट डालने जाता हूँ। आपने
गाइस, ये जो है ना हमारा इलेक्शन होता है ईवीएम मशीन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ। आप मुझे देख सकते हैं वोट कास्ट करते हुए। जी तो व्यूअर्स, मैंने अपने उम्मीदवार सेलेक्ट कर लिए हैं और ओके का बटन प्रेस कर दिया है और यहाँ से मुझे बैलेट पेपर मिलने वाला है, ये मिल चुका है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर जो है ना स्टैंप लगवाने अपने बैलेट पेपर पर, उसके बाद में इसको कास्ट करूंगा। क्या हाल है जनाब? ओ कैसे हो? अच्छा गाइस, ये ना मुझे 2017 में ना यंगेस्ट लॉयर ऑफ द पंजाब का एजाज मिला था। ये उस एजाज की बात कर रहा है कि वो रिकॉर्ड नहीं टूटा, वो टूटेगा भी नहीं इंशाल्लाह। तो ये दोबारा आ गया स्टैंप लगाने वाला। मैंने कहा यार दोबारा लगानी क्या, तो फिर हंसने लग गया। अच्छा, ये स्टाफ ने बताया कि एग्जिट जो है ना वो दूसरी साइड पे, हम जहाँ से एंटर हुए थे वहीं से हम वापस जाने लगे थे। बस वो हमें जहन में नहीं था तो हम ऐसे ही आपस में लगे हुए थे। तो गाइस ये बाहर आ गए हम, तो देखें बहुत ज़्यादा रश है यार, इधर तो कदम रखने की जगह नहीं। अच्छा, इधर जो है ना आतिफ वो मुझे कह रहा था कि यार मैं जो है ना आज मेरी सलाह थी कि मैं वो मैच हो रहे ना पीएसएल के पाकिस्तान में, तो लाहौर कलंदर और कराची का अपनी शायद मैच था, तो कह रहा था मैं उस पर व्लॉग बनाने का इरादा था। तो मैंने कहा यार लोग ना आप अपनी पर्सनल लाइफ रिलेटेड व्लॉगिंग क्या करें, ताकि क्योंकि वो इंटरेस्टेड सा होता है। तो ठीक है, क्रिकेट भी लोग देखते हैं, वो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं देखते। अच्छा, इधर कुछ उगला ना अपने उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी कर रहे थे। यहाँ ना एक ऊंचाई पर एक लड़का खड़ा था, तो वो वीडियो बना रहा था। मैंने उसे कहा यार मेरे मोबाइल में भी वीडियो बना दो एक शोर सी। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में इधर उगला मौजूद हैं, और ये मेरे ख्याल से चार जो है ना ये डिवीजन्स हैं, फैसलाबाद डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न और शेखुपुरा डिवीज़न और एक और डिवीज़न है जो भी है, खैर चार डिवीजन्स की ये ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होती है लाहौर हाईकोर्ट की जो है ना, वो सारे वकला इधर जमा हुए हैं, तो अपना वोट कास्ट करने आए हैं दूर दराज से। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में, और वकला साथ साथ जा भी रहे हैं, फिर भी इस हाईकोर्ट के अहाते में वो खाली नज़र नहीं आ रहा, उसमें पूरी तरह जो है ना फिल हुआ पड़ा है वो। तो ये देखें, ये इमरान औलख भाई मिले हैं, इनका जो है ना ये हाइट बहुत कम है, तो हमारे बहुत नाइस दोस्त हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि मैं गाइस इधर से अब जाने लगा हूँ वापस घर को, मैंने जाना है, इधर मेरा कोई काम नहीं है अब, तो क्योंकि मैं किसी कैंपेन तो कर नहीं रहा, बस मैं वोट डालने आया था, वोट मैंने डाल दी अपने इंसाफ लाइव फोरम के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को, केडी नंबर 804 के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को मैंने वोट कास्ट कर दिया। तो व्यूअर्स, मैं आपको रिजल्ट के बारे में भी बता देता हूं कि हमारे ना दो कैंडिडेट्स जो है ना वो जिनको मैंने वोट कास्ट किया था, उनमें से दो जीत गए थे। तो एक जो सदर हैं हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाइव फोरम के हिमायत याफ्ता, वो हमारे जीत गए थे, कैरी नंबर 804 की जीत हो गई थी। ये आपको खुशखबरी मैं सुना देता हूँ, और ये है जी इलेक्शन का रिजल्ट। व्यूअर्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।